नमस्कार, मैं मीखा कौशिक स्वागत करती हूं आपका हमारे खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, आज का सुविचार कहता है कि किसी भी काम को कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि कहावत है काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। तो आज से अभी से अपने सपनों को पूरा करने में जुट जाएं, फिर कोई नहीं रोक सकता आपको नेम फेम पैसा कमाने से। तो नेम फेम पैसा और उसके साथ चाहते हैं कि बीमारी भी ना हो आपको, यमराज आपको ना बुलाएं और 100 साल आप जिए। तो उसके लिए आज हम बताएंगे आपको एक महाटोटका, साथ ही देंगे आज का दिव्य मंत्र भी। और इसे बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। स्वागत है पंडित जी आपका। जय श्री कृष्ण, जय माता की, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, आपकी परेशानियों का हल भी हम लगातार आपको देते रहेंगे। फोन लाइंस खुली हुई हैं, नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। शो की शुरुआत करते हैं और दुर्लभ संयोग सबसे पहले जान देते हैं। गुल्लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, यमदेव का आशीर्वाद और कपयादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुल्लक टिप्स में हम बात करेंगे एक ऐसे महाचमत्कारिक टोटके की, जिसे आज के दिन करने से यमराज खोलेंगे आपके लिए स्वर्ग का द्वार, मिलेगी आपको सुंदर निरोगी स्वस्थ काया। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए और लिखते जाइए आज के चमत्कारिक महाटोटके। दोस्तों, आज गुरुवार दिनांक 28 फरवरी सन 2019 को फाल्गुन मास की 10वीं तिथि है और सिद्धिदा योग का बड़ा दुर्लभ संयोग बना है। 10वीं तिथि हो और गुरुवार का दिन हो तो सिद्धिदा नामक योग बनता है, बहुत शुभ योग बनता है। आज ऐसे शुभ योग पर, दुर्लभ संयोग पर मां लक्ष्मी के स्वामी भगवान विष्णु का पूजन सभी प्रकार के संसारिक सुखों की प्राप्ति करवाता है। भगवान विष्णु के कई स्वरूप माने गए हैं। भगवान विष्णु का हर स्वरूप विशिष्ट है और पूजनीय है। गृहस्थ जीवन के अंदर मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का पूजन किया जाना उत्तम फलदायी माना जाता है। आज गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के विशेष पूजन से, व्रत से, उपाय से होगी आपको गुड लक की प्राप्ति, सौभाग्य की प्राप्ति। खुलेगा शिक्षा, नौकरी, व्यापार में सफलता का दरवाजा। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं आज भगवान श्री हरि की, विष्णु की विशेष पूजन सरल विधि। आज गुरुवार के दिन भगवान श्री विष्णु का हल्दी मिश्रित जल से, आज भगवान श्री हरि का हल्दी मिश्रित जल से, पंचामृत से, अलग अलग फलों के रस से अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक करने के पश्चात में भगवान श्री हरि का विधिवत पंचोपचार पूजन अर्चन कीजिएगा। तांबे के दीपक में गौघृत का दीप दान कीजिएगा भगवान विष्णु के समक्ष। आज गुरुवार के दिन यदि आप दीप दान करते हैं, अर्थात दीपक जलाते हैं, तो निश्चित तौर पर भगवान आज आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आप घर में भी जला सकते हैं, किसी विष्णु मंदिर में जाकर भी दीपदान जला सकते हैं। सुगंधित धूप अर्पण कीजिए, तुलसी दल आज जरूर अर्पण कीजिएगा भगवान विष्णु को। गंध, पुष्प, इत्र, वस्त्र, नैवेद्य, पान, सुपारी, दक्षिणा इत्यादि अर्पण करें। एक आंवला जरूर अर्पण कीजिएगा भगवान श्री विष्णु को। शुद्ध देशी घी और बेसन के लड्डू का भोग लगाइएगा। एक विशेष मंत्र से एक माला का आज आपको जाप करना है। जाप के पश्चात कमल का पुष्प हाथ में लेकर आरती करनी है, पुष्पांजलि करनी है, क्षमा प्रार्थना करते हुए उस कमल के पुष्प को भगवान विष्णु के श्री चरणों के अंदर अर्पण कर देना है। आज का जो पूजन मंत्र रहेगा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला, एक बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः। आज दिन भर कम से कम 108 बार तो करना है, दिन भर उठते बैठते। आज यदि खाली इस मंत्र का जाप करते हैं मन ही मन में, ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः, तो जो भी दर्शक, जो भी भक्त आज नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक भगवान श्री विष्णु की, भगवान श्री हरि की
माँ लक्ष्मी की पूजन अर्चन करेंगे उनके विघ्नों का सदा के लिए नाश होगा, उनकी कार्य सिद्धि स्वतः ही होती रहेगी। गोगी गुड लक, सौभाग्य की प्राप्ति, खुलेगा शिक्षा नौकरी व्यापार में सफलता का दरवाजा। बिल्कुल, तो आपको सफलता आज मिल सकती है शिक्षा नौकरी व्यापार हर तरह से, और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपकी आयु वृद्धि हो, आप पर यम कृपा बरसे, तो उसके लिए आपको महाटोटका भी देंगे। लेकिन उससे पहले एक कॉल ले लेते हैं। जवाहरलाल जी जुड़ गए हैं, अपने बेटे मनीष के लिए जानना चाहते हैं, और 26/10/1997 डेट ऑफ बर्थ और 9:15 का सुबह का समय। स्वागत है जवाहरलाल जी, सवाल करें। इसके लिए एक नौकरी के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, इसकी सरकारी नौकरी का योग है, अभी इसने ग्रेजुएशन पूरी करती है और अभी वकालत कर रहा है LLB। देखिए मनीष जी, जहाँ तक आपके बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, 26 जवाहरलाल जी आपके बच्चे की जन्म कुंडली का जो सवाल है, 26 अक्टूबर 1997 सुबह 9:15 पे मघा नक्षत्र का जन्म है, गणमूल नक्षत्र का जन्म है, पैदा होते ही 27वें दिन पूजा अर्चना होनी चाहिए। आशा करते हैं आपने करवाई होगी, नहीं करवाई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में मघा नक्षत्र की शांति करवाइए। अब रही बात आपका प्रश्न कि इसकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है, इस बच्चे की कुंडली में सरकारी नौकरी का योग नहीं है। उसका कारण यह है कि इसके दशम भाव में चंद्र और राहु दोनों साथ बैठे हैं, चंद्र और राहु वो भी सूर्य के घर में ग्रहण योग बना रहे हैं, और वहाँ का जो स्वामी है सूर्य वो जन्म कुंडली में नीच का होके बैठा है। तो कहीं ना कहीं सूर्य का नीच का होना और कार्य क्षेत्र में दशम भाव में नौकरी व्यापार के घर में चंद्रमा राहु का ग्रहण योग अनस्टेबल करवाता है, नौकरी के अंदर अनस्टेबल करवाता है। वकालत के सेक्टर में बच्चा आगे बढ़ सकता है, एक अच्छा नेम एंड फेम वकील बन सकता है, इसमें कोई दुराय नहीं है। सूर्य की ही मादशा इसको अभी चल रही है और सूर्य इसकी जन्म कुंडली में नीच का है, 2024 में खत्म होगा। योग्य आचार्य के निर्देशन में नीच का सूर्य, नीच का गुरु की पूजा करवाइए, मघा नक्षत्र की शांति करवाइए, तांबे का कड़ा सीधे हाथ में धारण करवाएं, रविवार का फास्ट रखें, सूर्य की नियमित आराधना करें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। बिल्कुल, तो उम्मीद है आपकी समस्या का हल आपको मिल गया होगा, उपाय पंडित जी ने बता दिए हैं। और अब भीलवाड़ा से अनीता जी जुड़ गई हैं। पंडित जी, बेटी के लिए जानना चाहती हैं 16/11/1991 डेट ऑफ बर्थ और 1:15 का रात का समय है। स्वागत है अनीता जी, सवाल बताएं। जी अनीता जी, सवाल करें अपना। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। हाँ, मैं मेरी बच्ची की सगाई और शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। अच्छा, देखो बेटा अनीता, जहाँ तक बिटिया है आपकी, 16/11/1991 सुबह 1:15 पे इस बच्ची का जन्म है। इसकी जन्म कुंडली में कुछ समस्याएं हैं। समस्या ये है कि इसकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र नीच का होकर बैठा है, साथ साथ में सूर्य भी नीच का होकर बैठा है। दाम्पत्य भाव में चंद्रमा बैठा है, वो भी शनि के घर में विष योग बना रहा है और शनि की ही मादशा इस बच्ची को शुरू हुई है। अब इसके विवाह का योग जो बनता है, शनि की मादशा में बुध का अंतर जब शुरू होगा, यानी शनि में शनि का अंतर खत्म होगा मई 2020 में, अगले वर्ष इसके विवाह का योग बनता है। योग्य आचार्य के निर्देशन में इसकी ग्रह शांति करवाइए। चूंकि शुक्र नीच का है, उसकी शांति के लिए 10 वर्ष से कम की कन्याओं को कुछ ना कुछ गिफ्ट दीजिए हर शुक्रवार को। सूर्य नीच का है, नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, एक पन्ना रत्न तुरंत प्रभाव से सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में धारण कर ले, वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करें, महीने में एक शुक्रवार को किसी भी अंधे बच्चों का स्कूल मिल जाए तो वहां पर कुछ ना कुछ दान करना है, सफेद चीजों का, चावल का, शक्कर का, जो भी संभव हो, और अंधे बच्चों का नहीं मिले तो कहीं पे भी दान कीजिए, लेकिन दान अवश्य कीजिए। जी पंडित जी, गंगापुर से मनीषा जी भी जुड़ गई हैं, उनका कॉल ले लेते हैं। हस्बैंड के लिए अपने ये जानना चाहती हैं 7/1988 डेट ऑफ बर्थ और 12:25 का दोपहर का समय है, इनका माफ कीजिएगा रात का समय है। मनीषा जी स्वागत है आपका, सवाल बताएं। दोपहर का समय है जी। बेटा समय सही बताइए आप। दोपहर 12:25। 7/1988 दोपहर 12:25। हाँ जी, प्रश्न पूछिए। मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना था मेरे को। ये तारीख किसकी है? 7/1। ये किसकी, आपकी, आपके हस्बैंड की? मेरे हस्बैंड के लिए पूछना था। ये डेट ऑफ बर्थ किसकी है बेटा? 7/1 उनकी है, मेरे हस्बैंड की। हाँ, प्रश्न पूछिए।
उनका महीने में क्या 2 बार एक्सीडेंट हो चुका है। हाँ। और वो बहुत परेशान रहते हैं काम वाम में। देखिए जहाँ तक इनकी जन्म कुंडली का सवाल है, गुरु की मादशा और शनि का अंतर इनको चल रहा है। इनकी जन्म कुंडली में शनि जो है वो वक्री होके बैठा है और सन 2016 से ही चल रहा है और 17 मार्च 2019 को खत्म होगा। 17 मार्च यानी अगले कुछ ही दिनों के अंदर। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में इनको धारण करवा दीजिए। लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करवाइए। छल्ला ऐसा हो जो खुला हुआ नहीं हो। सोते समय सिर भूलकर भी पश्चिम दिशा में नहीं रखना और उत्तर दिशा में नहीं रखना है। इनका सिर जो है वो पूर्व दिशा में रखिए या दक्षिण दिशा में रखिए। एक कांसे की कटोरी लीजिएगा, उसमें सरसों का तेल भरिएगा। शनिवार के दिन ये उपाय करना है और अपने हस्बैंड को बोलेगा कि उस तेल में अपने चेहरे की परछाई डाले, फिर उस तेल को मिट्टी के दीपक में ट्रांसफर करके लंबी बत्ती बना के जला दीजिएगा। कम से कम 5 शनिवार कीजिएगा, निश्चित तौर पर एक्सीडेंट योग से मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल। तो मनीषा जी, कोई भी भय आपको है, आपके पति को है, तो उसके लिए आज उपाय भी हम आपको बताएंगे जीवन का, जीवन वृद्धि का। आपको भय डर नहीं रहे यम का, उसके लिए महाटोटका बताएंगे। लेकिन उससे पहले कॉलर ले लेते हैं। कानाराम जी बाड़मेर से जुड़ गए हैं। 10 मार्च 1984 डेट ऑफ बर्थ बताते हैं। कानाराम जी स्वागत है आपका। समय है तो समय दें और फिर सवाल पूछें। बोलिए, आपका समय है, जन्म समय पता है आपको? 10/3/1984। समय बताएं? 10 ओ समय 8:30 और 10:20 का है। सुबह शाम? सुबह का। देखिए जहां तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, तो आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से वैसे देखा जाए आपकी जन्म कुंडली में शनि उच्च का होके बैठा है, लेकिन आपकी कुंडली में एक युति बनी हुई है, चंद्र राहु की ग्रहण योग की युति बनी हुई है। ये जो युति है ये आपको जीवन में कई बार संघर्ष करवाती है, कोई भी चीज़ को स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं करवाती है। शनि उच्च का है, मंगल स्वग्रही है, लेकिन राहु चंद्रमा का भाग्य स्थान में बैठना, ग्रहण योग का बनना, कभी कभी तो आपको लगेगा आप बहुत भाग्यशाली हैं और कभी लगेगा आपका भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ नहीं देता है। 2 उपाय आपको जीवन भर करने हैं। हर रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करना है, दाल की कचौरी दही इमरती वहाँ पर अर्पण करना है, और उसके साथ में हर रविवार को सूर्य भगवान की आराधना करनी है, रविवार का फास्ट रखना, एक समय का व्रत करना है, संभव हो 11 बार 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें सूर्यदेव के सामने खड़े होकर, और रविवार के दिन ही लाल रंग की गाय का गौशाला में चले जाइएगा, जहाँ लाल रंग की गौ माता मिल जाए उसकी सेवा कीजिएगा, उसको जल पिलाइएगा, उसको चारा गुड़ जो भी संभव हो आपसे वो कीजिएगा। कम से कम 11 रविवार कीजिए, निश्चित तौर पर जितनी भी आपकी अड़चने हैं रुकावटें हैं वो स्वतः ही समाप्त होने लगेगी। बिल्कुल। तो आपकी अड़चने कोई है, बीमारी अगर आपको है, या आप चाहते हैं कि आपकी आयु में वृद्धि हो, यम आपको सताए नहीं, उसके लिए आज का महाटोटका आपको दे देते हैं। दोस्तों आज गुरुवार का दिन है, फाल्गुन मास की 10वीं तिथि है। 10वीं तिथि के जो स्वामी रहते हैं यमदेव रहते हैं। 10वीं तिथि को यमदेव के निमित्त अगर पूजा की जाए तो निश्चित तौर पर यमदेव का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों आज गुरुवार का एक महाटोटका मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या आप चाहते हैं कि यमराज आपको स्वर्ग लोक में जाने देने की आज गारंटी ले ले, आज ही आपका टिकट बुक हो जाए, जाएंगे आप 100 साल बाद, लेकिन गारंटी आज मिल सकती है कि आपको यमलोक में नहीं जाना पड़ेगा, नरक लोक में नहीं जाना पड़ेगा, आपको सीधा स्वर्ग लोक में जाने की गारंटी आज यमराज आपको दे सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी, आपकी काया, आपका शरीर हमेशा बीमारियों से बचा रहे? क्या आप ता उम्र 100 वर्ष की उम्र तक फिट रहना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि यम के दूत आपके आसपास भी फटक ना पाए? क्या आप हर्डल लेस लाइफ अर्थात बाधा मुक्त जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप अपने भगवान से, अपने ईष्ट से पूरे 100 वर्ष जीने की गारंटी चाहते हैं? यदि हां
तो आज दसवीं तिथि पर यमदेव की पूजा अर्चना दिला सकता है यमदेव की कृपा, उनका पूर्ण आशीर्वाद। करना क्या है आइए उसको समझ लेते हैं। आज दसवीं तिथि गुरुवार के दिन अपने घर की दक्षिण दिशा में दक्षिण मुखी होकर काले रंग के गर्म आसन पर विराजमान हो जाइएगा। आचमन प्राणायाम कीजिएगा। संध्या समय में यह पूजा आप कर सकते हैं। अपने सामने एक चौकी अर्थात बाजोट की स्थापना कीजिएगा। उस बाजोट के ऊपर एक सफेद कपड़ा बिछा दीजिएगा। स्वस्तिक का चिन्ह केसर से बना दीजिएगा। काले तिल उस पर रख दीजिएगा और उन काले तिलों पर यमराज का चित्र स्थापित कर दीजिएगा। देखे तो सही, आप कभी कभी जीवन में देख लीजिए करिए कि यमराज की शक्ल होती कैसी है, क्योंकि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं पहले रोज या 100 साल बाद में हमें यमराज का सामना तो करना ही है। तो दोस्ती आज कर ले, पहचान आज कर ले, वो पहचान 100 साल बाद काम आएगी। इसलिए यमराज की पूजा करने में कभी हिचकिए मत। अल्टीमेट गोल वही है, वही जाना है, वही हमारे कर्मों का हिसाब करेंगे। तो सफेद कपड़ों को ऊपर काले तिल बिछाकर यमराज का एक मनमोहक सुंदर चित्र वहां स्थापित कर दीजिए। तिल के तेल का दीप अर्पण कीजिए, सुगंधित धूप अर्पण कीजिए, चंदन सफेद पुष्प तिल अर्पण कीजिए। भोग में धुली हुई मूंग दाल, सब्जी, पूड़ी, केसर की खीर का भोग लगाइए। लौंग व मिश्री अर्पण कीजिए। नीलाभ का स्मरण करते हुए तुलसी पत्र अर्पण कीजिए। भगवत गीता के 10वें अध्याय का यमराज के समक्ष बैठकर पाठ कीजिए। गौ माता के गोबर से बने हुए उपले को गैस पर गर्म करके एक पात्र में रखकर भोग की थाली में से थोड़ी सी पूड़ी का छोटा सा टुकड़ा, खीर और घी का भोग उस गर्म उपले पर लगाइए। हथेली में जल लेकर उस भोग के चारों तरफ घुमाकर छोड़ दीजिए। आज यमदेव के निमित्त काले रंग की गौ माता, कौवे को, काले कुत्ते को भोजन अवश्य दीजिएगा। यथाशक्ति उनकी रुचि के अनुसार उनको भोजन अवश्य कराइएगा। भोग की जो थाली है वो किसी ब्राह्मण को खिला दीजिएगा, यथाशक्ति दान दक्षिणा दे दीजिएगा। अगर दोपहर के टाइम इस पूजा को कर सके अति उत्तम है, नहीं तो संध्या समय के पश्चात भी इस पूजन को कर सकते हैं। यमदेव को प्रसन्न करने वाला पूजा में एक मंत्र आज आपको बोलना है। संभव हो तो 108 बार इस मंत्र का जरूर जाप कीजिएगा। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यम प्रचोदया। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यम प्रचोदया। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यम प्रचोदयात। इस मंत्र को अपने जीवन का रोज, सिर्फ आज ही नहीं, रोज इस मंत्र को कीजिए 11-21 बार। जैसे मैंने कहा कि यमदेव से आज से ही दोस्ती हम आरंभ करेंगे और कभी कभी जरूरत पड़ने पे दोस्ती काम आ जाती है। तो यमदेव के निमित्त इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। इस प्रकार आज यमदेव की पूजा अर्चना से यमराज खोलेंगे आपके लिए स्वर्ग का द्वार, मिलेगी पूरे 100 वर्ष जीने की गारंटी, एक्सीडेंटल से योग से मुक्ति, मृत्यु तुल्य कष्ट से मुक्ति, मिलेगी हर्डल लेस लाइफ अर्थात बाधा मुक्त जीवन जीने की 100% गारंटी। बिल्कुल, तो आज का महाटोटका पंडित जी ने आप सभी को दे दिया है, लेकिन गुड लक टिप जैसा कि हम रोज आपको बताते हैं, तो आज यमराज के निमित्त आपको क्या उपाय करने हैं, गुड लक टिप करने हैं, वो भी बताएंगे। लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक पर जाते जाते छोड़े जाते हैं आज के पंचांग के साथ।
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। और दर्शकों, आज हम आपको कुछ गुड लक टिप्स दे रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पूर्ण रूप से सफल बनाने वाले, सुखमय बनाने वाले दिन को स्पेशल गुड लक टिप। आई दोस्तों, जानते हैं आज के दिन को पूर्ण रूप से सफल सुखमय बनाने वाले कुछ स्पेशल गुड लक टिप्स। जैसे मैंने कहा कि आज का दिन यमदेव को समर्पित है, तो आज का पहला गुड लक टिप्स जो आपकी सेहत से जुड़ा है, हेल्थ से जुड़ा है, बीमारी से जुड़ा है, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपकी सेहत ठीक रहे, हेल्थ सेक्टर बढ़िया रहे, बीमारी आपको छू भी ना पाए, आज का दिन पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे, तो आज यमराज के चित्र पर चढ़ी हुई पीत चंदन से, यमराज के चित्र पर चढ़ी हुई पीत चंदन से अपने मस्तक पर टीका लगा के निकलेगा, पूरा दिन आपका बीमारियों से मुक्त रहेगा, टेंशन फ्री रहेंगे, ब्लड प्रेशर से मुक्ति मिलेगी, डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी, आर्थराइटिस से मुक्ति मिलेगी, पेट दर्द से मुक्ति मिलेगी। आज का गुड लक टिप्स हमारे पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आज यमराज के चित्र पर चढ़ी हुई ब्लू इंक, नीली शाही से यमराज के चित्र के सामने ब्लू इंक अर्पण कीजिएगा, फिर उस ब्लू इंक से अपनी कॉपी किताबों के ऊपर जो चैप्टर आपको याद नहीं होता है वहां पर लिखिएगा नीलाभ। क्या लिखेंगे? नीलाभ। नीलाभ जैसे ही लिखा वो चैप्टर आपके दिमाग में परमानेंटली फिट हो जाएगा। इस बात को आप अजमा के देखिएगा और हमें भी बताइएगा। अगला गुड लक टिप्स हमारे उन दर्शकों के लिए जो कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस से मुक्ति चाहते हैं, आज आपको क्या करना है? आज आपको, आप तो हमेशा खाते ही हैं, 11 कचोरी खरीदिएगा। क्या 11 कचोरी खरीदिएगा? खुद मत खाइएगा। आज मेहनतकश मजदूरों को, जो मेहनत कर रहे हैं लोग बाग आपको दिखे, उनको 11 कचोरी, 11 जनों को एक एक कचोरी जरूर खिलाइएगा। निश्चित तौर पर यमदेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, कर्ज से मुक्ति होगी। आज का गुड लक टिप्स प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, नौकरी से जुड़ा हुआ है, व्यापार से जुड़ा हुआ है। यदि आप चाहते हैं कि नौकरी के सेक्टर में सब कुछ अच्छा रहे, व्यापार में सब बढ़िया रहे, तो आज यमराज के चित्र पर पीले पुष्प अर्पण कीजिएगा। निश्चित तौर पर नौकरी के अंदर, व्यापार में सब मंगल ही मंगल होगा। जी पंडित जी, अब आज का दिव्य मंत्र भी आपसे लेना चाहेंगे। आइए दोस्तों, जानते हैं आज का सुपर दिव्य मंत्र। ओम महाकोशाय नमः, ओम महाकोशाय नमः, ओम महाकोशाय नमः, ओम महाकोशाय नमः, ओम महाकोशाय नमः। लाभ क्या है? आपके धन के कोष को बढ़ाने वाला, आपके पॉकेट में हमेशा नोटों से भरी रखने वाला, आपकी तिजोरी, आपकी अलमारी, आपकी दुकान के कैश काउंटर में नोटों की बारिश करवाने वाला ये एक महाचमत्कारिक दिव्य मंत्र है। एक शुद्ध देशी घी का दीपक जलाकर 108 बार ओम महाकोशाय नमः, ओम महाकोशाय नमः, ओम महाकोशाय नमः मंत्र का जाप करें, फाइनेंशियल क्राइसिस, कर्ज से परमानेंट मुक्ति प्राप्त। बिल्कुल। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कार्यक्रम आप सभी को बेहद पसंद आया होगा। पंडित जी स्टूडियो में आने के लिए, समस्याएं सुलझाने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है, समाधान जानना चाहते हैं, आप सोमवार से शनिवार हमें कॉल कर सकते हैं। आपसे फिर होगी मुलाकात। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और आगे देखिए स्पीड न्यूज। नमस्कार।